निज निधि निज में बताइया अनंत उपकार सके लिए जिन वाणी मां उसके लिए जिन वाणी मां अभी हम आप नियम सार ग्रंथ के आधार से पूज गुरुदेश जी का अद्भुत और अपूर्व व्याख्यान सुन रहे थे। उस विषय वस्तु की पराकाष्ठा के बाद चर्चा के लिए कोई विषय ही नहीं रहता है सिवाय चर्या के। गुरुदेश जी ने तो यहां तक फरमाया कि जो भूतार्थ और निश्चय को छोड़ करके व्यवहार का पक्ष करता है वह ग्रहित मिथ्या दृष्टि विद्वान है। ज्ञान से आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सुंदर प्रमेय गुरुदेश ने कहा। धन वैभव पैसा आदि का करना कमाना ये तो बात बहुत दूर की है, लेकिन राग का राग करना ये भी ग्रहित अग्रहित मिथ्यात् के अंतर्गत आता है। इसकी बहुत सूक्ष्म चर्चा को जो गुरुदेश ने की, मैं कुछ ही लगभग आधे घंटे के लिए यहाँ एक बहुत मार्मिक और पंडित टोडरमल जी के उदय से पूर्व जिस ग्रंथ की रचना हुई थी, आदरणीय टोडरमल जी साहब ने भी मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ के अंतर्गत जिस शास्त्र के 8-10 मूल गाथाओं को संदर्भ के रूप में लिया है, उस ग्रंथ के दो एक सूक्ष्म प्रकरण के ऊपर यहाँ अभी चर्चा करना चाहता हूँ। भगवत पाठमालाओं में प्रण आता है सबसे बड़ा पाप कौन सा, तो जवाब वहां दिया गया है, मोक्षमा प्रकाशक के आधार से ही दिया गया है, मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। पूज गुरुदेश जी के हाथ में इसकी मूल प्रति आई, वो जिन दिनों इसकी मूल प्रति आई अशोक भाई, उन दिनों गुरुदेश जी की तबीयत स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, तो उन्होंने हरि भाई को इसकी मूल प्रति दी और कहा कि जो अपने पास एक नव ग्रंथ आयो से वाचो। अब वो पढ़ने के लिए गुरुदेश जी ने उनको दिया, तो हरि भाई इतने कुशल विचक्षण पुरुष निकले, उन्होंने पढ़ा तो सही लेकिन पूरे ग्रंथ का गुजराती में अनुवाद भी किया। बाद में गुरुदेश जी के हाथ में वो ग्रंथ दिया, उस ग्रंथ का नाम है उपदेश सिद्धांत रत्नमाला। मैं उस शास्त्र की बात कर रहा हूं। आप लोग मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ के अंतर्गत जहां तहां लगभग 8-10 ऐसे बहुत सूक्ष्म और तात्विक प्रकरणों में इस ग्रंथ के आधार से मूल गाथाओं का कोटेशंस टोडरमल जी साहब ने वहां दिया है। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला ये शास अपने आप में इतनी सुंदर रचना है और इतनी उपयोगी कृति है, एक अभ्यासों और निश्चय और व्यवहार का बैलेंस अपने जीवन में अपने चिंतन में किस रूप से बनना चाहिए उसकी इसकी इसमें बहुत बारीकाई से चर्चा आती है। जैसे देखिए मैं वाक्य बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना,
आदरणीय बड़े पंडित साहब रविंद्र भाई पंडित साहब एक बहुत सुंदर उन्होंने एक वाक्य लिखा है, सुविचार है, उत्कृष्ट कार्यों की अनुमोदना भी यदि नहीं करता है जीव, समझना कि वह तीव्र कषायी जीव है। सुना है आप लोगों ने, पढ़ा हो, सुना हो, आजकल व्हाट्सएप के ऊपर कई ऐसे क्लिप्स उन बोलों के आते हैं। उत्कृष्ट अनुष्ठानों की अनुमोदना के भाव भी यदि नहीं होते हैं तो तीव्र कषायी है ऐसा समझना चाहिए। ये मूल वाक्य, ये मैंने वाक्य इसलिए भी याद किया, उस वाक्य के मूल भावों को बताने के लिए इस ग्रंथ के अंतर्गत 4-6 मूल गाथाएं, मतलब आप इस प्रकार का चिंतन कितना मौलिक और कितना उपयोगी है आप विचार करिए। केवल इसमें 161 मूल गाथाएं हैं, प्राकृत गाथाएं हैं, और किसी महाराज ने इसकी रचना नहीं की। अभी गुरुदेव जी जैसे कह रहे थे, मुकुंद आचार्य तो आचार्य दिगंबर मुनि था, पद्म प्रमलधारी देव तो आचार्य नो था मुनि था। बात समझ में आ रहे थे क्या कह रहे थे गुरुदेव जी, कि वे आचार्य नहीं थे पद्म प्रमलधारी देव, मुनि थे, व्याज थे, बराबर। ऐसी ही घटना का ऐसी ही बात यहाँ इस ग्रंथकर्ता के व्यक्तित्व के ऊपर भी लागू पड़ती है। वो मुनि भी नहीं थे, भट्टारक थे, नेमीचंद भंडारी भट्टारक, उनके ही शब्दों में, वो भी किसी धर्मदास जी आचार्य के उद्देश्य से उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला। देखिए, जहां तक आप सभी जानते हैं, मैं भी जहां तक इस बात को बहुत बारीकाई से विचारता हूं, जब कभी ऐसे अनुष्ठान होते हैं तो इन अनुष्ठानों की हमें खूब मन भर करके अनुमोदना करनी चाहिए, तन से, मन से, धन से। जैसे अभी नरेश जी भाई साहब की कितनी अद्भुत भावना, बहुत रोमांचकारी, हम आप लोगों को एक बार अपने प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्जन झर गया जैसी, मतलब परिस्थिति मानो पड़ी हुई कि हमने भूतकाल की 24 की तो अनुमोदना की ही है, स्वीकृति दी ही है, लेकिन यहाँ अभी तो दूसरा दिन समाप्ति की तरफ है, यहाँ इस धरा पर आकर के और भविष्य के 24 के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान की, मतलब प्रभावना की कितनी उत्कृष्ट भावना है। यहाँ देखिए आप, इस ग्रंथ के अंतर्गत यहाँ पंडित जी ने ही मूल गाथाओं में, मूल प्रकरण में एक बहुत मार्मिक बात हम आप लोगों को सोचने के लिए बाध्य किया, और वे स्वयं कहते हैं 97 नंबर का इसमें श्लोक गाथा है, उसमें उन्होंने लिखा है, उन्हीं के शब्दों में मैं पढ़ के बताता हूं, कई अधम मिथ्या दृष्टि, कई अधम मिथ्या दृष्टि इस प्रामाणिक शास्त्र के भी आचरण में निंदा करते हैं, सो होय हाय, निंदा करने से जो नरक आदि के दुख होते हैं उनको वे ही नहीं गिनते हैं, कैसे हैं वे अत्यंत मान और मोह रूपी राजा के द्वारा ठगाए गए, अर्थात जो यथार्थ आचरण तो नहीं करते हैं और अपने को महंत मनवाना चाहते हैं, उनको यह यथार्थ उपदेश नहीं रुचता है। अभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, गुरुदेव ने बहुत मार्मिक एक बात कही, श्रद्धा तो यह जीव सुधारता नहीं है, वर्तन केवल सुधार लेता है, फिर वो व्यवहार दान दया दान पूजा आदि में वो सारा बह जाता है। मतलब देखिए, फिर एक वाक्य है तो बढ़िया, दर्शन शुद्धि की बात अलौकिक है। एक गुरुदेव श्री के जीवन का तो समझ लीजिए प्राण है, संगत के अंतर्गत स्वाध्याय भवन में भी प्रथम में प्रथम दर्शन शुद्धि वाली बात वाक्य लिखा हुआ है सुवर्ण अक्षरों से। तो दर्शन शुद्धि जो है मूल में यथार्थ मार्ग की श्रद्धा का होना,
लाख करोड़ अन्य शुभ भाव अधिक हो, लेकिन उस धर्म दृष्टिवंत के ही वे शुभ भाव होते हैं। अरे पंचामृत की भाषा में बेंसरी की चित्रशाला यहाँ होने जा रही है, उसमें बहुत सुंदर हम आप लोगों को प्रफुल्लित कर रहे हैं, ऐसा एक छोटा सा वाक्य आता है, चैतन्य के सामने तो सभी पानी भरते हैं, चैतन्य स्वभाव के सामने तो सारे पानी भरते हैं, शुभ भाव की क्या कीमत है। कहने का मतलब यह है शुद्धात्म स्वभाव चैतन्य स्वभाव। अरे उदयश्री के शब्दों में यदि कहें कि राग करना ये जीव का स्वभाव अथवा जीव को राग करना ये काम सौंपना ये चैतन्य चक्रवर्ती के पास कचरा उठाने के लिए मानो काम सौंपने के समान है। तो ऐसे स्वभाव की महिमा, और कहां ऐसे शास्त्रों में है सर्व सामान्य अपने को लगता है पहली दृष्टि में कि ये तो एक सामान्य शास्त्र है सामान्य ग्रंथ है, लेकिन मैं अंतिम कुछ ही क्षणों में वो गाथा आपको पढ़ के बताऊंगा, वहां तक मैं क्रमशः पहुंचने की कोशिश करता हूं कि ऐसे अधम पुरुष अधम जीव भी होते हैं जो देव शास्त्रों आदि की प्रभावना आदि में रस नहीं रखते हैं, रुचि नहीं रखते हैं। तो यहां देवशास्त्र गुरु की महिमा की बात तो है ही, लेकिन साधर्म्य की भी महिमा कैसी होती है। साधर्म्य की महिमा की बात तो इसमें है ही, साथ में साधर्म्य की निंदा का फल कितना कठोर होता है उसकी भी इस ग्रंथ के अंतर्गत चर्चा आती है। जैसे कर्णानियों की भाषा में अपन कहें एकेंद्रीय जीव की हिंसा घात का जो दोष लगता है उससे असंख्यात गुणा दोष द्विइंद्रिय जीवों की हिंसा और घात से लगता है। ऐसे क्रमशः बढ़ाते जाइए, त्रिइंद्रिय जीव चतुरिंद्रिय जीव फिर असंगी पंचेंद्रिय फिर संगी पंचेंद्रिय, एक शास्त्र में तो इतना लिखा है, अन्य विधर्मी संगी पंचेंद्रिय की बात तो दूर रहे, लेकिन साधर्म के साथ भी यदि तो द्वेष में क्रूरता में यदि व्यवहार करता है तो इसका तो और कठोर फल तुझे मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि लौकिक जीवन में हम आप लोगों का जो एक व्यवहार होता है साधर्म्य के साथ देवशास्त्र गुरु के साथ, तो ये बहुत विवेकपूर्ण विचार पद्धति से हम आप लोगों को सोचना चाहिए। इस रूप से इस ग्रंथ के अंतर्गत मूल में तो ये बात है कि ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्म दो, जैसे आज मध्यान्ह में संगोष्ठी के अंतर्गत भाई साहब गांधी जी भाई साहब ने बात बीच में याद दिलाई थी कि छठे अध्याय के अंतर्गत एक जो प्रकरण आता है अंत में जो लिखा हुआ वाक्य अहो देव शास्त्र गुरु तो महान पदार्थ है, यदि इन्हीं में शिथिलता हो गए तो धर्म के अन्य अंग कैसे सिद्ध और सफल हो सकते हैं। बहुत सुंदर वाक्य है, बहुत मार्मिक वाक्य है, बल्कि वो प्रकरण तो वहां कुगुरु कुधर्म आदि का है, वहां देवशास्त्र गुरु आदि की महिमा के संदर्भ में फिर कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि की भक्ति का त्याग व्यावृत्ति सेवा आदि का त्याग तो हर परिस्थिति में हमें करना ही करना है, इस बात की प्रेरणा वहां टोडरमल्ली साहब ने दी है। हम आप लोग जैसे महावीरासक स्तोत्र पढ़ते हैं उसमें शब्द आता अंत में भागेन्दुना भक्त्या भागेन्दुना, तो भागचंद जी साहब जिन्होंने महावीरासक की रचना की है उस एक ही विद्वान ने उपदेश सिद्धांत रत्नमाला इस ग्रंथ के ऊपर वचनिका के लिए कलम चलाई। न प्राकृत श्लोक गाथाओं की कोई संस्कृत छाया है और न किसी अन्य विद्वान की कोई व्याख्या अथवा टीका इसके ऊपर, केवल और केवल भागचंद जी साहब ने बहुत सुंदर वचनिका और संक्षेप में इस ग्रंथ की सारी गाथाएं और उन गाथाओं की व्याख्या इसके अंतर्गत की है। भागचंद जी चाजेड़ साहब बहुत अपूर्व प्रतिभा के धनी ऐसे विद्वान थे। तो जैसे ये वही विद्वान है भागचंद जी साहब जिनका सत्ता स्वरूप नाम का एक बहुत छोटा सा ग्रंथ है,
और सभी व्यास लोगों के लिए खास मैं इस बात की प्रेरणा देना चाहता हूँ इस गणधर की आदि से। कुछ गुरुदेवश्री ने सत्ता स्वरूप के ऊपर जब व्याख्यान किया तो इतने झूमे, इतने प्रसन्न प्रसन्न और प्रफुल्लित हुए और उन प्रवचनों के संकलन मोक्ष का मार्ग इस नाम से हिंदी में भी और गुजराती में भी छपे हुए संकलन है। बहुत सुंदर, बहुत गहरे प्रवचन है। तो वो ये विद्वान है जिन्होंने इस ग्रंथ के आधार से स्वयं के मौलिक सुंदर ऐसी व्याख्या लिखी है। वैसे तो लगता है हम आप लोगों को कि ये व्यावहारिक ऐसे सत्संग की महिमा, साधर्म की महिमा, देवशास्त्र गुरु आदि की महिमा बस एक सर्व सामान्य विषय है, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें ज्ञान सम्यक ज्ञान की महिमा, धर्म ज्ञान का मिलना कितना महान दुर्लभ है, ध्यान से सुनना। जन्म का मिलना ये नहीं, बल्कि पद्धति परंपरा, कुल परंपरा, जैन कुल आदि का मिलना इसकी बात नहीं कही, लेकिन धर्म ज्ञान जो है, सम्यक ज्ञान जो है, धर्म के जो संस्कार है, इनका मिलना कितना दुर्लभ है, इसकी भी इसने महिमा की है। सम्यक के सारे जो दोष हैं, उन दोषों में से भी कई दोषों की इसने चर्चा की है। और जैसे टोडरमल साहब ने श्रोता के स्वरूप में एक गाथा ली है कि स्वाधीन गुरु का योग मिलने पर भी यदि जीव तत्व का श्रवण नहीं करता है, ध्यान से सुनना आप क्या लिखा है, स्वाधीन गुरु का योग मिलने पर भी दौड़ दौड़ के कहीं जाना पड़े माइलों दूर उसकी बात नहीं, बल्कि स्वाधीन गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव यदि तत्व की बात नहीं सुनता है तो वो तो तीर्थंकर जैसे शलाका पुरुषों से भी महान सुभट है, जिसे भव भ्रमण का कोई भय ही नहीं, ऐसी गाथा आती इसके अंतर्गत। तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर हम आप लोगों को मतलब बिल्कुल आत्मस्पर्शी संचेतना करने वाली गाथाएं और ऐसे ऐसे सुंदर सारे इसके अंतर्गत प्रकरण आते हैं। इनमें से मैं दो एक गाथाएं, जिनमें प्रथम जो गाथा है वो इसमें 6 नंबर की गाथा है, जिसके आधार से यहाँ चर्चा करना चाहता हूं। 6 और 7, जिसमें परीक्षा करके ही धर्म ग्रहण करना चाहिए ये वाला प्रकरण आता है, और उसके बाद इसमें कुल परंपरा आदि का निषेध करते हुए एक बहुत सुंदर हम आप लोगों को प्रेरणा दी है। मैं उस गाथा की तरफ यहाँ आगे बढ़ता हूँ। देखिए, ध्यान से सुनिए आप इस गाथा का शीर्षक और इस गाथा की जो व्याख्या। जैसे एक शब्द आता है कदाग्रही, तो कदाग्रही कभी भी, जैसा अपन कहते ना कि लोगों को ग्रह दिक्कतें पैदा करती है, लेकिन सच में कोई जैसे कोई शनि ग्रह, कोई बुध ग्रह, वो कोई ग्रह हम आप लोगों को कभी किसी जीव को, अपन तो सिद्धांत के मानने वाले हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कोई दूसरा ग्रह इस जीव को हैरान परेशान करता हो न करता हो, लेकिन जीव को अपने आप का जो हटाग्रह है, अपने आप का जो दुराग्रह है, मानी हुई जो मान्यता है, वो मान्यता सबसे बड़ा ग्रह है, और इस ग्रह से यह जीव ग्रसित है अनादि से। ख्याल में आ रही बात? इसलिए सच में यदि देशास्त्र गुरु को हम आप लोग बहुत हृदय से मानते हैं, समझते हैं, तो सच में मिथ्यात्व का अंश भी अपना शेष न रहे, ऐसा पुरुषार्थ हम आप लोगों का होना चाहिए। इसमें देखिए, ये जैसे मैंने अभी आपको दो गाथाओं की बात कही, 16वीं और 17वीं गाथा के अंतर्गत उस मार्मिक संदेश की इसमें प्रेरणा है। ध्यान से सुनिए आप। सर्वमपि वियाणी जय लभैतः चौरिमाय जडमज्जे इकम्पि भाय दुर्लभम् जिनमयम् हि रयणम् सुयाणम्। देखिए, इस गाथा का मूल भाव को देखते हुए
एक विचार आते हैं आजकल, जैसे पैकिंग का जमाना है, पोस्टिंग का आग्रह है, भले अच्छे और बड़े बड़े पढ़े लिखे युवाओं को, जैसे सुमित प्रकाश जी भाई साहब कहा करते हैं युवा मित्रों को, सबको आगे बिठा करके, बेटा कभी भी फॉरेन कंट्री का आकर्षण मत रखना, कभी भी पैकेज के पीछे पागल मत होना, वो पैकेज पैसा तो तुझे बढ़ा देगा लेकिन बड़ा हुआ पैसा तो तुझे देश छुड़ाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, इसलिए वैभवी ठाट बाट पश्चिमी सभ्यता का जो आकर्षण है, जिसे अपन लिविंग स्टैंडर्ड के रूप में कहा करते हैं, जैसे आज ही के प्रातः काल विपिन जी भाई साहब ने एक मित्र को खड़ा करके इंदौर के भाई उनका यहाँ तालियों से अभिवादन भी करवाया, जहाँ लाखों डॉलरों का पैकेज, लाखों डॉलर मिला करते थे, वो अमेरिका की धरती ना छोड़ करके, अनार्य खंड को छोड़ करके, केवल तत्व के संस्कार के बल से ही बच्चों को भी वो संस्कार दिए और सारा छोड़ छाड़ करके अध्ययन स्वाध्याय अर्थ यहाँ आकर के अभी वे बसे हैं। मतलब कहा तो कई ऐसे जीव हैं, ऐसे तो उदाहरण और भी हैं यहाँ इंदौर के अंतर्गत। कहने का मतलब मेरा ये है कि कहा तो ऐसे सत्पात्र जीव सन्मार्ग की तरफ अपने आंखों के सामने आ रहे हैं, और कहा तो अन्य जीवों के परिणामों में भी ये विचित्रता दिखती है, अथवा अपन ऐसे उदाहरण गिन सकते हैं जो छोड़ छाड़ करके देवशास्त्र गुरु आदि के आंगन को छोड़ छाड़ करके अन्यत्र मार्ग में लगे हैं। कोई बात इसके अंतर्गत लिखी है, कहते हैं लौकिक बातों को तो सभी जानते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हो जावे, चाहे बड़े बड़े वकील हो जावे, बड़े बड़े डॉक्टर भी हो जावे, लेकिन लौकिक बातों को तो सभी जानते हैं, और बाह्य का बाहर का जितना जो भी क्षोभ श्रम है, वो चाहे कुछ भी कहें, जैसे कोई आईएएस ऑफिसर आ जावे, कोई आईपीएस ऑफिसर आ जावे, तो हम आप लोगों की देखने की जो दृष्टि है, अरे गुरुदेव श्री, जैसे मैं जामनगर के सेठ की बात कही थी, तो जामनगर के जो वहां के जो जाम साहेब पीयूष जी, वहां जाम साहेब नाम के एक राजा थे जिनके नाम से उस शहर का नाम पड़ा जामनगर। तो गुरुदेव श्री जब प्रातः काल निकलते थे तब वो आकर के मिला करते थे और कहा करते थे कि साहेब हमारे त्यां तुम्हें पगला करो, मतलब आप आइए हम आपका स्वागत करते हैं। तो गुरुदेव श्री कई बार कहने से एक बार गए। अब करोड़ों अब्जों की संपत्ति, और उनकी श्रीमती ने 1,000 रुपया दान धर्म में लिखवाया। अब गुरुदेव श्री तो कई बार तो उसकी, समझ लीजिए कि उसकी भक्ति भावना के अर्थ में याद करते हैं, और कई बार तो कहते हैं करोड़ों अब्जों की संपत्ति हो गए और धर्मा धान में लखावे तो केटलू लखावे, बैठा छे जो आ धूल धूल सीधा। अरे इसी शहर के वे श्रेष्ठी जिनका आधा से भी ज्यादा इंदौर है, आप सभी जानते हैं सर सेठ हुकुम जी साहब, सुनिए आप लोग एक रोमांचकारी में घटना आपको बताना चाहता हूँ। परमागम मंदिर का भूमि पूजन जब हो रहा था, जब पहली बार वहां गए और हीरा मानिक सोने की माला पहने हुए सभा में जाकर के बैठे, गुरुदेव श्री तो धन धूल छे धन धूल छे खूब उसकी मतलब उड़ावे, और जब जैसे स्वाध्याय हुआ पूरा और रामजी भाई से सर सेठ हुकुमचंद जी मिले, हम जहां जहां भी जाते हैं हमारा तो बाजे गाजे के साथ कितना बड़ा सम्मान होता है, हमें आपकी सोनगढ़ की सभा में तो यार पूछा तक नहीं, गुरुदेव श्री ने हमारा नाम तक नहीं लिया। तो उनके कानों में राम जी भाई बोलते हैं कि भाई इस गुरुदेव श्री की ही एक ऐसी सभा है जिसमें धनवानों को धूल का पति कहा जाता है और उनको कोई कीमत और महत्व नहीं दिया जाता है,
लेकिन वही धरा है सोनगढ़ की धरा, जहां आज करोड़ों अब्जों के आयतन खड़े हुए हैं। आज आप देखिए बाहुबली भगवान विराजमान होने जा रहे हैं, आज जो यहाँ सृष्टि विराजमान थे हम आप सभी के बीच में आदरणीय निमिष भाई, अनुमानंद भाई का सारा परिवार, कहने का मतलब ये है कि जिस सभा के अंतर्गत गुरुदेवश्री ने ये कहा होवे, एक क्षयोपशम ज्ञान की इतनी हद तक उसकी हेयता बता दी गई होवे। आप नियम सार के प्रवचन ध्यान से सुनिए, उसमें ये टोन बहुत आता है, जैसे ये वाली बात कि ज्ञान जगत को जाने इसकी बात तो है नहीं, लेकिन ज्ञान जो जानता है उस जानते हुए ज्ञान को भी जानने वाला ज्ञान जो है वो भी परलक्षी ज्ञान है। जिस ज्ञान में ज्ञायक की पकड़ न होए वो ज्ञान ज्ञान कहलाता ही नहीं। इस रूप से ज्ञायक स्वभावी आत्मा की ज्ञान की बात, यही यहाँ टोन यही कहना चाहते हैं पंडित साहब निमिचंद जी, यहाँ यही बात कहना चाहते हैं, चाहे जितनी भी लौकिक विद्या हो, चाहे जितनी भी लौकिक विद्या लौकिक ज्ञान हो, लेकिन आत्मज्ञान और अध्यात्म विद्या के सामने किसी भी लौकिक विद्या की कोई कीमत नहीं। आदरणीय दादा ने भी ये बात लिखी है बहुत सुंदर, हम आप लोगों के तो रोम रोम में वो बात बसी है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। अरे कलश टीका आप पढ़िए, कलश टीका 13वां कलश, उसके अंतर्गत एक बात आती है, द्वादशांग की लब्धि कोई अपूर्व लब्धि नहीं है, ऐसा लिखा, द्वादशांग गोर में धर कर ज्ञान आनंद रस पीते हैं, ज्ञान आनंद रस पीते हैं, जिन वाणी को हृदयंगम कर शुद्धात्म रस में पीते हैं, शुद्धात्म रस में पीत। उपाध्याय परमेश की वंदना, अरे वे द्वादशांग के पाठी हैं, लेकिन वे सचमुच में अपने ज्ञायक स्वभाव में रहते हैं, अपनी दृष्टि में परलक्षी प्राप्त परमार्थ वचनिका के अंतर्गत तो उसे पराश्रित पुद्गल आश्रित शब्द ज्ञान कहा है। परलक्षी जितना जो भी ज्ञान है वो पराश्रित पुद्गलाश्रित ज्ञान कहा है, इसलिए किसी भी लौकिक विद्या लौकिक क्षयोपशम लौकिक ज्ञान इसकी महिमा अपने हृदय में बसनी नहीं चाहिए। द्वादशांग के पाठी गणधर भगवान को भी जब तीर्थंकर भगवंतों के दरबार में समो शरण में वो इतने विनम्रता के साथ जब वो बैठे बैठे भगवान की वाणी सुनते हैं और अपने स्वरूप की आराधना करते हैं, तो कौन सी ऐसी लौकिक उपलब्धि है, कौन सा ऐसा लौकिक मान अभिमान है। अरे स्वामी जी तो ये कहते हैं भगवान की वाणी में, ज्ञानी हे भगवान आत्मा, ऐसा यदि संबोधन आया इससे बड़ा कोई और मान नहीं, और अज्ञानी ऐसा संबोधन आया तो इससे बड़ा कोई अपमान नहीं गाली नहीं। कहने का मतलब ये है, यहाँ मूल ग्रंथकार ये कहते हैं लौकिक बातों को तो सभी जानते हैं, लेकिन चौराहे पर पड़ा हुआ रत्न भी मिल सकता है। उदाहरण दिया है, चौराहे के ऊपर पड़ा हुआ रत्न भी मिल सकता है, परंतु हे भाई जिनेन्द्र भाषित धर्म रूपी रत्न का सही ज्ञान हो वह अत्यंत कठिन है। क्या कहा, देखिए जैन कुल में भी जन्मा हुआ होवे, पैदा हुआ होवे, माँ बाप के भी वो संस्कार मिले हुए हों, लेकिन जैसे कोई अभवी जीव समोषण के अंतर्गत प्रवेश नहीं कर पाता है, ऐसे ही इस जीव का उपयोग इस गहरे तत्व ज्ञान के अंतर में डूब नहीं पाता, केवल वह जीव एक जैनत्व का अभिमान लेकर के आगे बढ़ता है और अपने आप को धन्य समझता है। जब तक सूक्ष्म तत्व जो है, जो केवली पंडतम धम्मम शरणम पवज्जामि, केवली प्रणीत जो धर्म है, उस धर्म की उस वीतरागी शासन की उस वीतरागी धर्म की जब तक महिमा नहीं आएगी, तब तक सच में
जैन धर्म की महिमा आई ये कहने में आती नहीं। बनारसीदास जी का एक बहुत सुंदर छंद है जिसकी व्याख्या बहुत सुंदर गहराई से गुरुदेव जी करते हैं, ये भी हम आप लोगों को गहराई से हृदय से हमें समझना चाहिए। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन। अब आप सुनिए गुरुदेव जी को, जैन की क्या व्याख्या करते हैं और जिन की क्या व्याख्या करते हैं। परम पारिणामिक स्वभाव भाव जो अपना गया एक स्वभाव है वह जिन है, द्रव्य स्वभाव जो है वो जिन है, और उस द्रव्य स्वभाव को छूटी हुई प्रकट होने वाली अंतरंगी जो गायक दशा है उस परिणति का नाम जैन है। जैन कोई परंपरा का नाम नहीं है, जैन कोई कुल का नाम नहीं है। उदेश जी की भाषा में कहे जैन कोई वाड़ो न थी, जैन कोई पद्धति के परंपरा न थी। कहने का मतलब अंतर की ऐसी गायक की परिणति, ऐसी अंदर की परिणति जो शुद्धोपयोग, ध्यान से सुना, जो शुद्धोपयोग मैं प्रकट करना चाहूं, जो शुद्धोपयोग ज्ञायक में ही रमता है, ऐसा शुद्धोपयोग बताएं। कोई सभा में अभी जो गाथा पढ़ रहे थे नियम सार के अंदर, कौन से अधिकार की गाथा थी वो जिसका फल अंत में जाकर के नियम सार में लिखा है? अरे वो 38वीं गाथा, वो 50वीं गाथा, वो शुद्ध भाव अधिकार की गाथा है। नियम सार के अंतर्गत यदि शुद्ध भाव अधिकार को निकाल दिया जाए तो नियम सार का अस्तित्व न रहे। उसी शुद्ध भाव अधिकार के फल के स्वरूप परमार्थ प्रतिक्रमण, परम आलोचना, ये सारे के सारे जो अधिकार हैं वो क्रमशः आगे आते हैं, अंत में जाकर के शुद्धोपयोग अधिकार आता है। धन्य धन्य वह ज्ञान क्षयोपशम जिसने भेद विज्ञान किया। देखो कवि क्या लिखता है, धन्य धन्य वह ज्ञान क्षयोपशम जिसने भेद विज्ञान किया, मैं प्रकट करूं शुद्धोपयोग जो ज्ञायक में ही रमता है। मैं तो उस शुद्धोपयोग को प्रकट करना चाह रहा हूं जो शुद्धोपयोग अपने शुद्ध स्वभाव ज्ञायक भाव में प्रकट होता है। कहने का मतलब ये है ऐसे जो धर्म के गाढ़ संस्कार हैं, भरत चक्रवर्ती के पुत्र जो थे जीवन में कभी बोले, जन्म से पैदाइश से कभी बोले वो नहीं बोले ना, अच्छा बोले जब भी बोले तब वो क्या बोले, उनके मुंह में से कौन सी बात निकली, अब विचार तो करो। एक तरफ तो पिता चक्रवर्ती और पुत्रों की दशा कैसी, और कोई छोटे तो नहीं होंगे उस समय तो जब भरत चक्रवर्ती समश्रम में जाकर के वाणी सुन रहे हैं, प्रभो हमें तो जैनेश्वरी दीक्षा चाहिए। मतलब देखिए आप बोले तो भी क्या बोले, अरे देखने योग्य होवे तो जिन मुद्रा है, सुनने योग्य होवे तो जिन वचन है, और भाने योग्य होवे तो जिन भावना। जल्दी में तो मैं बोल गया हूं लेकिन जिन भावना का क्या रहस्य है समझने के लिए हमें बोध पाहुण का स्वाध्याय करना चाहिए। मुनि उसे ही कहते हैं, मुनि दशा उसे ही कहते हैं जिन्हें जिन भावना होती है। उस जिन भावना के संस्कारों का होना वो जैन धर्म के दृढ़ और सूक्ष्म ज्ञान का होना वही असल ज्ञान है, बाकी कोई ज्ञान ज्ञान कहलाता नहीं है। उसके संस्कार की यहां बात है भाई, जिनेन्द्र भाषित धर्म रूपी रत्न का सही ज्ञान हो जाना। सुना ध्यान से, ज्ञान तो हो जाए लेकिन सही ज्ञान कितनों को होवे। फिर से आप एक संदर्भ दे रहे थे आज छठे अध्याय के अंतर्गत ज्ञान की अंधता के स्वरूप में, हाँ चौथे अध्याय के अंतर्गत सातवें अध्याय में टोलमल जी साहब ने सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप में बहुत मार्मिक बात लिखी है, बहुत मार्मिक बात लिखी है, और वहां व्यवहारावासी के प्रकरण में वो प्रकरण आता है कि बहुत सारे जीव अपनी बात सुने तो यह जीव खुश हो जाता है और कोई नहीं सुने तो यह जीव दुखी हो जाता है। वहां टोरमल जी साहब ने ये सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप, मतलब ये भी एक सूक्ष्म ग्रहित मिथ्यात्व के रूप में, ग्रहित मिथ्या ज्ञान के रूप में वहां लिखा है, अरे जिसका भाग्य होगा उसको ये बात सुनने में आए बिना रहे नहीं।
मतलब आप देखिए विद्वानों ने कितनी कितनी बारीकाई से कितने सूक्ष्म तत्वों का घोलन जिनागम में किया है कि ज्ञान तो हो जावे लेकिन सही ज्ञान नहीं हो जावे, नहीं होवे। मंगली घोषाल को ज्ञान था, कोई थोड़ा बड़ा ज्ञान था उनको, कोई अल्प ज्ञान था, फिर भी हम पार्श्वनाथ तीर्थ के सीनियर मोस्ट हैं। और आज का ये आया हुआ गणधर इंद्रमुति, बस इनके आने से ये बस अपनी धर्म कर्म की बात कर रहे हैं, हमें ऐसे तीर्थंकर की बात। अरे विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाई तत्व का श्रवण होना, उपदेश के वाक्य में कहें भाग्यशाली हो तो आवाज काने, भाग्यशाली होवे तो ये बात कान में से सुनने में आवे। भाई इसलिए कि ऐसा जो जिनेन्द्र भाषित धर्म रूपी रत्न का सही ज्ञान होना, यथार्थ ज्ञान होना, हेया हे का यथार्थ ज्ञान होना अत्यंत कठिन है। इसलिए जैसे भी बन सके, जैसे भी बन सके, टोडोमल जी साहब की भाषा में कहें, उनके जीवन के बलिदान की भाषा में कहें, मरने की कीमत पर भी यदि मिले, मौत की कीमत पर भी यदि मिले, तो भी हमें सही सही ज्ञान तो इसका करना ही चाहिए। इसका अभी हम आप लोग साक्षात दर्शन करेंगे करेंगे। और बस अंत में अंतिम जो सत्रवा जो श्लोक है, गाथा है, उसमें बहुत बढ़िया बात लिखी है। इस निकृष्ट क्षेत्र और काल में मिथ्यार्थ का तीव्र उदय होने से यथार्थ कथन करने वाले भी दुर्लभ है। ध्यान से सुनना, आदरणीय बाबूजी ने एक बहुत बढ़िया बात गुरुदेश के संदर्भ में कही है, सुनकर के खूब हृदय प्रफुल्लित होता है। ऐसा नहीं था कि गुरुदेश से पहले आध्यात्मिक चिंतन की धारा नहीं थी, ऐसा नहीं था, लेकिन चिंतन में अध्यात्म नहीं था। क्या कहा? आध्यात्मिक चिंतन की परंपरा तो थी लेकिन चिंतन में अध्यात्म नहीं था। गुरुदेश के सूत्रपात होने के बाद ही मुझे बहुत गौरव के साथ कहने का मन करता है, हरि भाई ने, अशोक भाई हरि भाई ने जब इस ग्रंथ का गुजराती में अनुवाद करके गुरुदेश जी को जब हाथ में दिया, तब गुरुदेश जी बोले वाह टोडोमल जी साहेब जे आमानी गाथाओ ना बड़ा संदर्भ आप्यो छे, अद्भुत स्वाध्याय छे खरेखर आ ग्रंथ ऊपर पण आपणे स्वाध्याय सभा मां करीशुं। मतलब कहने का भाव मेरा ये है कि ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि अपूर्व प्रेरणा देने वाले शास्त्र हैं। और मेरे जीवन में 8-10 साल पहले जब कलकत्ता प्रवास में वहां 10-12 दिन के लिए जाना हुआ, नीचे जो लाइब्रेरी है वहां एक ग्रंथ लिख वहां रखा हुआ था, एक ही प्रति मात्र थी। जब वहां बालचंद जी पाटनी साहब भी थे, मैंने उनसे कहा बाबूजी ये शास्त्र मुझे चाहिए, मुझे पढ़ने का मन है मूल से, बोले सुनील जी आप लेके जाइए। मतलब मेरा अहोभाग्य ये ग्रंथ भी हाथ में आया और आज हम आप लोगों के ये सब पीडीएफ फाइल के थ्रू सबके पास ये सुंदर ग्रंथ है। सभी साधन में भाइयों से सचमुच में देशास गुरु की जो अगाध महिमा और यत किंचित मात्र भी सूक्ष्माति सूक्ष्म भी ग्रहित और अग्रहित आदि के किसी भी प्रकार के दोष हम आप लोगों के परिणामों में परिणति में न रह पाए, बस हम आप लोग ऐसे जिन मार्ग के इस सन्मार्ग में हम आप लोग सभी आवे, इसी मंगल भाव के साथ मैं विराम लेता हूं। अभी हम सभी ने आदरणीय सुनील जी भाई साहब जो राजकोट से हमारे बीच पधारे हैं, सुनील जी भाई साहब के बारे में एक बात जरूर बताना चाहूंगा। मूल में सुनील जी कर्नाटक के रहने वाले हैं और उसके बाद महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में, और राजस्थान के बाद गुजरात में। मतलब आप सोच सकते हैं कि कन्नड़ भी उनको आती है, मराठी भी उनको आती है, और हिंदी भी आती है, संस्कृत भी जयपुर में की, तो संस्कृत भी प्राकृत का भी वो ज्ञान रखते हैं। और आश्चर्य की बात ये है कि वो जो जहाँ रहते हैं राजकोट में, वहां संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं,
वहां राजकोट में गुजराती स्कूल में गुजराती टीचर हैं, मतलब उनको गुजराती भी, उसमें भी काठियावाड़ी गुजराती हमारे सुनील जी उसके मास्टर हैं। और राजकोट में तो बहुत फेमस है भाई साहब, मतलब वहां कोई कार्यक्रम हो तो संचालन हो या समझो कवि सम्मेलन हो तो इस साहित्यिक जो कार्य होते हैं उसमें सुनील जी को जरूर याद किया जाता है। जिनवाणी विराजमान